हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी किड अराउंड। तो आज मैं करने वाली हूँ नीलकमल के स्टडी टेबल और चेयर की अनबॉक्सिंग। मैंने इसको रिसेंटली परचेस किया है एंड ये मैंने अमेजोन से परचेस किया है। इसकी परचेस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं तो आप भी इसको परचेस कर सकते हैं। तो मैंने ये परचेस किया था और ये मुझे डिलीवर हुआ कुछ ऐसी पैकेजिंग में। ये है नीलकमल का एप्पल जूनियर स्टडी सेट, जिसमें टेबल और चेयर दोनों होती हैं। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और असेंबली देखते हैं कि इसको असेंबल कैसे करते हैं। तो जब तक इसकी असेंबली हो रही है, तब तक कुछ बातें मैं आपको इससे रिलेटेड शेयर कर देती हूँ। ये मैंने परचेस किया था, इसका प्राइस था अमेज़ॉन पे 2,096 रुपीज़। अभी डिस्काउंट चलते रहते हैं तो कभी ये कम भी ज़्यादा भी हो जाता है, लाइटिंग बिल पे ये कम का भी मिलता है। तो ये कुछ इस तरीके से इसमें पार्ट्स अवेलेबल होते हैं, मतलब ये फोल्डिंग टेबल और चेयर है। आप इसको फोल्ड करके वापस बॉक्स के अंदर बंद करके रख सकते हैं अगर आपको यूज़ नहीं है तो, एंड आपको इसको असेंबल करना पड़ता है। असेंबली इसकी बहुत सिंपल है। देखिए, मेरा भतीजा अभी कम एज का है लेकिन उसको भी इतनी बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई इसको असेंबली करने में। उसने आराम से इसको कुछ मिनटों में ही असेंबल कर दिया। तो काफ़ी सिंपल असेंबली है इसकी, एंड सबसे अच्छी बात है कि ये खुल जाती है और छोटे से बॉक्स में पैक हो जाती है। तो कई लोगों को स्पेस की प्रॉब्लम होती है, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं जब इसके यूज़ नहीं आता है तो वो ऐसी पड़ी रहती है। बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसको फोल्ड करके रख सकते हैं एक छोटे से बॉक्स में। एंड साथ ही अगर आपको ट्रैवलिंग के लिए जाना है, कहीं दूसरे जगह शिफ्ट करना है, तो उसके लिए भी बहुत आसान है, क्योंकि एक ये इस बॉक्स को कैरी करना बहुत आसान है। तो आप कहीं भी इसको ट्रैवलिंग के दौरान भी ले जा और आ सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। एक और अच्छी बात इसमें यह है कि जो इसकी स्टडी टेबल है वो खुलने वाली है, मतलब इसके अंदर काफ़ी अच्छा स्टोरेज मिलता है। इसके अंदर एक स्टिकर का ये फ्री आता है, इसमें स्टिकर्स हैं ABCD के और काफ़ी अच्छे एजुकेशन स्टिकर हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर आप काफ़ी मतलब बड़ा स्पेस है इसके अंदर स्टोरेज के लिए। तो आप काफ़ी सारी बुक्स इसमें रख सकते हैं, पेंसिल बॉक्स रख सकते हैं, कलर्स वगैरह बहुत कुछ इसके अंदर रख सकते हैं। तो आपके बच्चे का सामान यहाँ वहाँ फैला भी नहीं रहेगा, आराम से वो उसमें से पढ़ाई करेगा, निकालेगा और ख़त्म होने के बाद अपनी पढ़ाई वापस उसके अंदर अपना सामान रख सकता है, स्टोर कर सकता है। तो ये भी बहुत अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके अंदर। तो टेबल को असेंबल करना बहुत ही सिंपल है। देखिए, बस इसके चार पैर लगाने हैं और ये हमारी टेबल तैयार हो जाती है। और चेयर को भी असेंबल करना काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। अभी देखिए इसको कैसे असेंबल किया जाता है। भले ही ये प्लास्टिक का मटेरियल का है बट काफ़ी ज़्यादा हैवी है प्लास्टिक भी इसकी, और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्टर्डी है। तो चेयर भी काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी बन जाती है। इसके जो बोल्ट हैं साइड के वो लगाने होते हैं इसके अंदर, अभी आपको दिखाएंगे कैसे लगाने होते हैं। तो जो बोल्ट जब कस जाते हैं ना तो ये काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी हो जाती है, आराम से इसमें बच्चा बैठ सकता है, बिल्कुल भी हिलती डुलती नहीं है। तो काफ़ी अच्छी खासी मतलब स्ट्रांग चेयर बन जाती है बैठने के लिए, बट ये केवल बच्चों के बैठने के लिए है। ये देखिए, इस तरीके से बोल्ट आते हैं इसके साथ, यही बस आपको कसने होते हैं चेयर में और आपकी चेयर तैयार हो जाती है। इसकी असेंबली का वीडियो मैं बिना फास्ट फॉरवर्ड किए और बिना एडिट किए आपको दिखा रही हूँ, ताकि आपको भी समझ आ जाए कि ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है एंड इसमें कोई एडिटिंग नहीं है। तो आप भी देख सकते हैं कि कितनी आसानी से ये टेबल और चेयर असेंबल हो जाती है। एक और बात, इस स्टडी टेबल और चेयर का जो सेट है इसमें काफ़ी ज़्यादा कलर ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। मैंने रेड एंड ब्लू लिया है, आई थिंक ग्रीन और येलो कलर का भी
इसमें अवेलेबल है ऑप्शन, तो आपको जो कलर पसंद है आप वो चूज़ कर सकते हैं। एंड शायद दूसरे कलर के प्राइस वो डिफ़र करेगी, तो आपको चेक करना पड़ेगा वेबसाइट पे कि कौन से कलर का कितने प्राइस में अवेलेबल है। स्टडी टेबल और चेयर बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि बच्चे अगर अच्छे से बैठ के होमवर्क भी करना होता है उनको घर पे आकर या पढ़ाई करनी होती है, तो जब आप बैट पे बैठ के करते हैं तो उनकी कमर दुख जाती है क्योंकि उनको झुक के पढ़ना होता है और उनकी हैंड राइटिंग भी इतनी अच्छी नहीं आती है। पर अगर आप ये स्टडी टेबल और चेयर घर पे रखेंगे बच्चों के लिए, ये नहीं कोई और भी स्टडी टेबल अगर रखेंगे, तो बच्चों की ग्रिप अच्छी बनती है लिखने के लिए, उनकी हैंड राइटिंग अच्छी होती है एंड कभी भी उनको बैक पेन की प्रॉब्लम नहीं होती है। इसलिए अच्छी स्टडी टेबल बहुत ही ज़रूरी है बच्चों के लिए, उनके हाइट के हिसाब से, उनके बॉडी के हिसाब से और उनकी एज के हिसाब से स्टडी टेबल और चेयर ही आपको परचेज़ करना चाहिए ताकि बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम ना आए उनकी पढ़ाई के टाइम पे। Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only 'cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled, caught in what's before our eyes. Show off your fantasy reality. Whoa, that's yours, but I'll keep doing mine. बस देखिए लास्ट के दो बोल्ट और हमारी चेयर तैयार है। ये देखिए तैयार हो गई हमारी टेबल और चेयर। देखिए कितना कम टाइम लगा इसको असेंबल करने में एंड ये देखने में बहुत अच्छी है। बच्चों को वाइब्रेंट कलर अच्छे लगते हैं तो उनके हिसाब से उनके स्टडी रूम के लिए बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। ये चेयर 2 साल से लेकर आई थिंक 10 साल तक के बच्चे के लिए सूट की के लिए ली जा सकती है, क्योंकि मेरी नीज़ जो अभी टेबल और चेयर पर बैठी है वो 8 साल की है एंड काफ़ी कंफर्टेबल तरीके से बैठी हुई है इस टेबल और चेयर पे। एंड मेरा बेटा आरुष भी 5 साल का है तो वो भी काफ़ी आराम से इस पर बैठ जाता है। तो पर मुझे लगता है कि 2 साल तक का बच्चा भी इस पर आराम से बैठ सकता है कंफर्टेबली, और 10 साल तक का शायद ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, लेकिन 8 से 9 साल तक का बच्चा तो बैठ सकता है, क्योंकि मेरी नीज़ खुद ही अभी 8 साल की है तो काफ़ी कंफर्टेबली वो लिख पा रही है, आप खुद देख सकते हैं। तो ये 8 साल तक तो कंफर्म है कि बच्चे के लिए सूट करेगा ही करेगा। तो यही था मेरा रिव्यू इस स्टडी टेबल और चेयर के लिए। तो ये मेरा रिव्यू यही है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, स्टडी है, देखने में अच्छी है, वाइब्रेंट कलर हैं इसके, तो बच्चों को काफ़ी पसंद आती है एंड काफ़ी कंफर्टेबल है बच्चों के लिए। तो आप इसको परचेस करना चाहें तो कर सकते हैं, परचेस लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर इसको परचेस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा मेरे चैनल को। अब मैं आपसे मिलूँगी मेरे नए वीडियो में। टिल देन बाय।